हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द मैथ कॉलम। कॉलम ए, कॉलम बी। हियर क्वेश्चंस आर गिवन एंड हियर आंसर्स आर गिवन। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपके कॉलम ए में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बी में आंसर्स हैं। इन ऑप्शंस में से करेक्ट क्वेश्चन को मैच करके आपको आंसर मार्क करना है। फर्स्ट गार्लिक, सेकेंड स्किन, थर्ड सर्कस, फोर एक्टर, फाइव रेफरी। आंसर की साइड में कॉलम बी, ए सेंस ऑफ टच, बी स्ट्रॉन्ग स्मेल, सी एंटरटेन्स, डी कंट्रोल्स द गेम, ई रिंग मास्टर। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट है आपका गार्लिक। गार्लिक आप लोग जानते हैं कि एक कड़ी बनाने में यूज किया जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल। इधर के ऑप्शंस पे जब हम आते हैं तो इनमें से ऑप्शन बी, ये ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है जो कि फूड आइटम से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट वाला गार्लिक, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी वाले के आगे हम इसमें आंसर लिख देंगे फर्स्ट। इसको आप चाहे तरीके से नंबरिंग करके आंसर लिख सकते हैं, मैच करके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं एज यू दिस। सेकेंड स्किन, अब आप लोगों को मालूम है कि स्किन एक सेंस ऑर्गन है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में आते हैं, इनमें से ऑप्शन ए, इस ऑप्शन में जो हमें आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है सेंस ऑफ टच, ये हमारा स्किन के साथ मैच कर रहा है। तो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा ए, सेंस ऑफ टच। तो हमने ए के आगे जो लिख दिया। थर्ड सर्कस, आप में से ज्यादातर बच्चों ने सर्कस देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो टेलीविजन पर तो डेफिनेटली देखा होगा, क्योंकि ये सर्कस बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में दिखाता रहता है। तो इन सर्कस को आप जब भी देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज हमेशा मिलेगी, रिंग मास्टर। आप लोगों को पता है कि रिंग मास्टर वो पर्सन होता है जो कि सर्कस को स्टार्ट करता है और जिसके हैंड में एक बड़ा सा करेक्ट हंटर होता है। तो थर्ड वाले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंग मास्टर। तो रिंग मास्टर के आगे हम थ्री लिख देंगे। फोर एक्टर, अब आप लोगों को पता है कि एक्टर वो पर्सन होता है जो कि मूवीज में काम करता है, फिल्म में काम करता है। इसका काम होता है एक्टिंग करना और मूवीज देख करके हाँ एंटरटेन होते हैं, हमारा मनोरंजन होता है। तो फोर्थ वाले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटरटेन्स। तो सी में हम लिख देंगे फोर। अब फोर करने के बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन बचता है वो डायरेक्टली आपका आंसर नंबर फाइव हो जाएगा, रेफरी। आप लोग रेफरी से भी फेमिलियर होंगे, चूँकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग गेम बहुत पसंद करते हैं, और गेम पसंद करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि गेम्स में रेफरी होते हैं। अलग अलग गेम्स में अलग अलग नाम से बोलते भी हैं। रेफरी का जो मेन वर्क होता है वो होता है कंट्रोल्स द गेम। तो फाइव का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी के आगे हम लिख देंगे फाइव। फर्स्ट का बी, सेकेंड ए, थर्ड ई, फोर सी एंड फाइव डी। सो इट इज द मैथ कॉलम विच वी टूडे डिस्कस्ड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, एंड वेन एवर यू फॉरगेट द आंसर्स ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर्स ऑप्शन, एंड आई एम श्योर यू विल गेट इट। सो इट्स एनफ फॉर टूडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।